हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहेंगे। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएँ जिससे कि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो है अग्निहोत्र के बारे में। आप में से कुछ लोग अग्निहोत्र के बारे में जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अग्निहोत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। दोस्तों, अग्निहोत्र एक बहुत ही पुराना इंडियन रिचुअल है। वेदों में और पुराणों में मनुष्य को सकारात्मक रहकर आनंदी और स्वस्थ जीवन किस तरह से जीना है इसके बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है अग्निहोत्र। देखने जाए तो अग्निहोत्र का लिटरली मीनिंग होता है अग्नि में आहुति देना, अग्निहोत्र। तो एग्जैक्ट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर हम अग्नि को आहुति देते हैं इसको कहते हैं अग्निहोत्र। और मेरी माने तो मुझे लगता है कि अग्निहोत्र का सबसे सिंपल और बेस्ट मीनिंग है यू हील द एटमोस्फियर एंड द हील्ड एटमोस्फियर हील्स यू। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी, यू हील द एटमोस्फियर एंड द हील्ड एटमोस्फियर हील्स यू। इसका मतलब है आप अग्निहोत्र द्वारा वातावरण की शुद्धि करते हैं और यही शुद्ध वातावरण आपको हील करता है मेंटली और फिजिकली। तो आइए देखते हैं अग्निहोत्र के महत्व के बारे में। दोस्तों, अग्निहोत्र का अग्नि रजतम कणों को विघटित करता है और वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इसी यही वजह है कि बार बार अग्निहोत्र को करते रहने से हमारे एक पॉजिटिव वेव्स का एक कवच सा बन जाता है, जो हमें सारे निगेटिव एनर्जी से और सारे दुष्परिणामों से बचाता है। और इनफैक्ट परमाणु बम के जो छोटे छोटे किरण हैं वो भी इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने प्रूव किया है और ये बात मैं आपको एक एग्जांपल देके प्रूव करना चाहूँगी। दोस्तों, आपने भोपाल दुर्घटना के बारे में तो सुना ही होगा। भोपाल गैस दुर्घटना जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में, मिथिल आइसोसाइनेट मतलब MIC नाम का एक बहुत ही पॉइजनस गैस लीक हुआ था जिसकी वजह से उस प्लांट के इर्द गिर्द रहने वाले मतलब अराउंड 100 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले जितने भी लोग थे, हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। पर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में दो ऐसी फैमिलीज थी जो पूरी तरह से सेफ थी डिस्पाइट ऑफ लिविंग जस्ट 1 माइल अवे फ्रॉम दैट प्लांट। वो फैमिलीज थी, एक था मिस्टर सोहनलाल जी कुशवाहा की फैमिली और दूसरे थे मिस्टर ML राठौड़। इन दोनों फैमिलीज में से किसी भी मेंबर को ना तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा ना तो उन्हें कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि इतने बड़े एरिया में सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही थी, बट ये दोनों फैमिलीज इतना प्लांट के इतना नज़दीक रहने के बाद भी पूरी तरह से सेफ थी। तो ऐसा क्या हुआ था? तो बाद में जब रिसर्च किया गया इस बात पर तो ये पाया गया कि ये दोनों ही फैमिली अपने अपने घरों में रेगुलर तौर पर अग्निहोत्र करती थी जिसकी वजह से इनके घर में एक पॉजिटिव ऑरा कह सकते हैं, पॉजिटिव ऑरा और एक सुरक्षा कवच बन गया था जिसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज में से किसी भी मेंबर को कुछ भी हानि नहीं हुई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखा दोस्तों इसीलिए मुझे लगता है कि अग्निहोत्र इज प्रूवन एंटीडोट टू पॉल्यूशन। तो आप सोचिए, अग्निहोत्र जैसी छोटी सी चीज इतने बड़े दुर्घटना के दुष्परिणाम से हमें बचा सकती है। तो मोबाइल रेडिएशन या फिर एयर पोल्यूशन से जो बीमारियां हो रही है उनसे बचाने में ये कितना यूजफुल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अग्निहोत्र के कुछ फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, अग्निहोत्र के बहुत सारे फायदे हैं जिसमें से पहला फ़ायदा ये है कि अग्निहोत्र की वजह से वातावरण चैतन्य प्रदायी और औषधियुक्त हो जाता है जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द के एरिया में, हमारे घर में कहें या फिर खेतों में कहें या फिर ऑफिस में कहें, कीटाणुओं की वृद्धि में प्रतिबंध लग जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला फायदा है, अगर हम अग्निहोत्र खेतों में करते हैं तो करीबन 10 एकड़ के एरिया में 10 एकड़ के एरिया में जितने भी वनस्पति है उनको वातावरण से पोषक द्रव्य मिलते हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पोषक द्रव्य मिलता है और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्वादिष्ट और पोषण युक्त अनाज खाने में मिलता है। अगर हम अग्निहोत्र की जो रक्षा बच जाती है, अग्निहोत्र होने के बाद जो रक्षा बच जाती है उस रक्षा को हम रेगुलर तौर पर अगर खेतों में फवारते हैं तो हमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
तो ये अग्निहोत्र सिर्फ वनस्पतियों का ही पोषण नहीं करती है दोस्तों, बल्कि प्राणी प्राणी जीवन और समस्त मनुष्य जीवन का भी पोषण करती है दोस्तों। अग्निहोत्र बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, बच्चों पे इसका बच्चों के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है। जितने भी बहुत हठीले या फिर बहुत चिड़चिड़े बच्चे हैं वो भी अग्निहोत्र की वजह से धीरे 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 शांत और समझदार होते जा रहे हैं। बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन और एकाग्रता भी बढ़ रही है। जो भी मेंटली रिटार्डेड या फिर मतिमंद बच्चे हैं वो भी अग्निहोत्र की वजह से अपने अपनी जो चिकित्सा है, अपनी जो ट्रीटमेंट है, उसको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है दोस्तों। रेगुलर अग्निहोत्र विल पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और यही एक वजह है कि अगर आप डी एडिक्शन करना चाहते हैं तो अग्निहोत्र करना बहुत यूजफुल है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी शराब या फिर स्मोकिंग जैसी किसी लत को छुड़ाना चाहते हैं तो आप भी अग्निहोत्र का प्रयोग रेगुलरली कीजिए। और इसी वजह से बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स में अग्निहोत्र रेगुलरली किया जाता है दोस्तों। अग्निहोत्र अपने हमारे ब्रेन और मज्जासंस्था पर भी पॉजिटिव इफेक्ट करता है, जिससे प्राण शक्ति में बढ़ोतरी होती है और हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनमें आनंदी वातावरण रहता है, और इसी वजह से हम घर में बहुत शांति से ध्यान धारणा भी कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ फायदे, और सबसे इम्पोर्टेंट अग्निहोत्र का फायदा मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये मानसिक तौर पर हमें बहुत ही स्ट्रांग करता है अग्निहोत्र, इसलिए मानसिक विकारों में बहुत 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 हेल्पफुल साबित हुआ है। बहुत सारे क्रोनिकल डिसीजेस जिस तरह से डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया, इन सारे डिसीजेस में ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला साबित हुआ है। तो आइए जानते हैं इस अग्निहोत्र की विधि को किस प्रकार करना है। तो दोस्तों, अग्निहोत्र के लिए हमें चाहिए होगी कुछ सामग्री। सबसे पहला तो ये है कि पिरामिड शेप एक तांबे का पात्र चाहिए होगा। दूसरा है अखंड चावल चाहिए होंगे। तीसरा है देसी गाय के गोबर से बने हुए उपले, और लास्ट एलिमेंट है देसी गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी। तो यहाँ पे मैं ये जो एलिमेंट्स हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, इनका भी महत्व आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम पिरामिड शेप कॉपर का पात्र यूज कर रहे हैं दोस्तों। बहुत पुराने जमाने से कॉपर और सोने का हीलिंग के लिए बहुत कॉमन तौर पर यूज़ किया जाता है, और क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है अमंगस्ट ऑल ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अक्षत चावल। दोस्तों ध्यान रहे कि अग्निहोत्र के लिए अखंड चावल ही आपको यूज़ करना है, आपको टूटे हुए या फिर पॉलिश चावल नहीं यूज़ करना है। अनपॉलिश्ड या ब्राउन राइस हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टूटे हुए और पॉलिश चावल का केमिकल फॉर्मूला चेंज होता हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अग्निहोत्र में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है देसी गाय के गोबर के उपले और देसी गाय के दूध से बना हुआ घी। दोस्तों मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि ये दोनों ही गव्य सिर्फ देसी गाय के ही हो, जर्सी गाय के हो तो नहीं चलेगा। इनफैक्ट जर्सी गाय का कोई भी गव्य हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। जर्सी गाय का दूध, जर्सी गाय का गोमूत्र बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। ये पॉइंट पर भी मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाली हूँ, और वो दूसरी बात है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं देसी गाय के गोबर के उपले और देसी गाय का शुद्ध घी। तो हमें इस ये विधि में क्या करना है। सबसे पहले तो एक उपले का छोटा सा, मैंने उपलों के कुछ टुकड़े बना के रखे हैं, उपले का एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम उसे कुछ इस प्रकार से पात्र के तलवे में रख देंगे और उस पर घी डाल देंगे। उसके बाद हम उपलों के कुछ टुकड़ों को घी लगाकर उसमें कुछ इस प्रकार से रख देंगे कि अंदर हवा जाने के लिए भी जगह रहे। तो मैं पहले घी लगा लेती हूँ। घी की वजह से उपले जलने में बहुत आसानी होती है दोस्तों, इसीलिए हम घी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं उपलों को किस प्रकार से रचाया हुआ है।
जिससे कि अंदर जा अंदर हवा जाने के लिए भी जगह रहे। ये प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी है सूर्योदय या सूर्यास्त के एग्जैक्टली 10 मिनट पहले, क्योंकि हमें अग्निहोत्र का मंत्र पढ़कर आहुति एग्जैक्टली सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर ही देना है, तो हमें पहले अग्नि प्रज्वलित करके रखना होगा। दोस्तों ध्यान रहे कि अग्निहोत्र में एग्जैक्ट टाइम का भी बहुत महत्व है, एग्जैक्टली सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर ही हमें आहुति देनी है मंत्र बोलकर, तो इसीलिए ध्यान रहे कि एग्जैक्ट टाइम मिस ना हो। आप अपने लोकेशन के हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम भी पा सकते हैं। मैं आपको दो वेबसाइट्स बताती हूँ, www.agnihotra.org और www.moc-Agnihotra.com। ये दो वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपने रीजन वाइज अपने लोकेशन वाइज एग्जैक्ट समय पा सकते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय का। तो आइए, मैंने यहाँ पे रचना कर ली है। सबसे पहले मैं इस उपले को प्रज्वलित करती हूँ, एक उपले को प्रज्वलित करती हूँ। सब उपले के टुकड़े को प्रज्वलित करके मैं इस नीचे अग्नि में डालूंगी जिससे कि पूरी तरह से अग्नि जल जाए। तो दोस्तों जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर लिया है, तो जब तक अब सूर्योदय का टाइम हो रहा है तब तक मैं आपको इन गव्यों का फायदा बता देती हूँ। दोस्तों हमारे मनुष्य प्राणी को, मनुष्य की बॉडी को डेली 120 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और मैं आपको एक गाय के गोबर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूँ कि गाय के गोबर में इनिशियली 23% ऑक्सीजन होता है, जो सूखने के बाद मतलब गाय के गोबर के उपले बनाने के बाद वो ऑक्सीजन बढ़ जाता है और 36% हो जाता है। और वही ऑक्सीजन जब हम गाय के गोबर के उपले जलाते हैं और उसके बाद जो रक्षा बचती है उसमें अगर चेक किया जाए तो वो 55% तक पाया जाता है ना, इंटरेस्टिंग बात। और गाय के घी का आपको मैं एक फायदा बताना चाहूँगी कि अगर 10 ग्राम घी हम जलाते हैं डेली तो वो 16 टन ऑक्सीजन निर्माण करता है। दोस्तों तो सोचिए अगर डेली अगर हम अग्निहोत्र करेंगे तो हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे वातावरण के लिए वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो जब तक ये जल रहा है मैं आगे की विधि आपको बता देती हूँ। हमें 2 चुटकी अखंड राइस और अखंड अक्षता लेके उसको यहाँ हाथ में लेनी है और उसको घी में इस तरह से घी में मख लेना है। उतना ही लीजिए दोस्तों जितना आपके 2 चुटकी में आए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और सूर्योदय का समय भी हो चुका है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारी मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के बीच में इस तरह से अखंड चावल को पकड़ेंगे और आहुति देंगे पहला मंत्र बोलकर, उसके बाद दूसरा मंत्र बोलकर आहुति देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अग्निहोत्र में ये बात ध्यान रहे दोस्तों कि एक बार आहुति देने के बाद हमें उस अग्नि में और कुछ आहुति नहीं देना है, और एक टाइम पे एक ही व्यक्ति इस अग्निहोत्र करने के लिए एक पात्र में बैठ सकता है। अगर किसी और व्यक्ति को भी करना है तो वो अपना अलग पात्र लेके अलग से बैठ सकता है। घर पे अगर एक मेंबर अग्निहोत्र कर रहा हो तो बाकी मेंबर उसके आजू बाजू में बैठ सकते हैं। तो ये हो गया सूर्योदय का मंत्र। मैं अभी आपको सूर्यास्त का मंत्र बताने वाली हूँ। सूर्यास्त का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। दोस्तों हम जब अखंड चावल इस अग्नि में जलाते हैं तो उससे प्रोपिलीन ऑक्साइड निर्माण होता है, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बारिश आने के लिए भी उसकी बहुत सहायता होती है। तो देखा आपने कि
इस प्रकार से अग्निहोत्र और उसके सारे ही गव्य हमारे नेचर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे सेहत के लिए भी कितने लाभदायक है। तो आप भी रेगुलरली डेली डेली सुबह और शाम इस अग्निहोत्र का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।